नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज हम मौजूद हैं बोर्ड रूम में जहाँ प्रवा द फोर्थ नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव की मीडिया सेलिब्रिटी पर्सनालिटी मिस सारिका सिंह हमारे साथ मौजूद है आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं मैम सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी थैंक यू और सेलिब्रिटी नहीं जस्ट एनी अदर जर्नलिस्ट मैम बट हर एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट के लिए आप एक सेलिब्रिटी हैं इस वजह से मैंने आपको उससे

यू नो वी ग्रो ओल्ड एंड देन वी फॉल्सिक बहुत सारी चीजें होती हैं सो चेंजेस तो हो रहे हैं गुड चेंजेस वी एक्सेप्ट एंड देन अप होल्ड बैड चेंजेस वी शुड आई दर ओवर लुक और नॉट टू ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट आई जस्ट एडवाइज दैट मैम कई बार डिजिटाइजेशन uh, के चलते मीडिया एथिक्स फॉलो नहीं हो पाते हैं और हमारी मीडिया इंडस्ट्री की ऑथेंटिसिटी पे काफ़ी सवाल उठते हैं तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगी तो uh, so अगर मीडिया है अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो ऑथेंटिक इज अ की मतलब ये वैसे ही है कि uh, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको इलाज करना होगा और ठीक इलाज करना होगा सही बताना होगा तो अगर आप एक मीडिया पर्सनल हैं एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको ऑथेंटिक मतलब इट्स अ टू साइड्स ऑफ द कॉइन अगर आप ऑथेंटिक नहीं है तो आप जर्नलिस्ट नहीं है तो ये हमेशा याद रखना होगा और आगे भी इन कोर्स ऑफ योर करियर जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इस बात को तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना कि किसी चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज हो पर फैक्ट ऑथेंटिसिटी इनसे ना हो मैम एज एन एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट आप हमारे फ्यूचर जर्नलिस्ट को क्या बताना चाहेंगे कि हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए फॉर करियर बिल्डिंग करियर बिल्डिंग जो आपने चुना है uh, मैं इसको बस वैसे ही एज फ्रॉम माई बुद्धिस्ट फिलॉसफी आई अंडरस्टैंड वर्क करियर दैट यू से कि वर्क वही है जिससे किसी और को फ़ायदा हो एंड mm -hmm. जब किसी और को फ़ायदा होगा तो उससे आपको फ़ायदा होगा एंड जर्नलिस्ट का काम तो हम सब जानते हैं uh, एक मीडियम है आप किसी की आवाज़ जिनकी आवाज़ वॉइस ऑफ अ वॉइसलेस जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं है वहां तक पहुंचाने का उसको आप पहुंचाते हैं आप मीडियम बनते हैं आप इंस्पायर करते हैं आप इंक्रेज करते हैं एंटरटेन करते हैं देन यू यू एजुकेट सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव टू नो एंड काउंट ऑन दैट आपको ये याद रखनी होगी मैम आपके हिसाब से गेट कीपिंग कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया कंटेंट के लिए uh, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर बट गेट कीपिंग एंड ऑल वो तो बहुत नहीं बता सकती मैं पर हाँ ये जरूर बता सकती हूँ कि एनी वेयर एज अ जर्नलिस्ट इफ़ यू आर फर्स्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अ गुड सिटीजन अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड एथिक्स एंड वैल्यू इंटैक्ट इवन इफ यू आर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया एनी वेयर योर प्रेजेंस यू शुड बी ट्रस्ट वर दी व्हाट एवर यू राइट राइट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैम लास्टली मैं, लास्ट मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी प्रवा ट्वेंटी ट्वेंटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अच्छा लगा आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट क्योंकि कभी मैं भी आप लोगों जैसी स्टूडेंट थी और यू पीपल आर सो ब्राइट प्रोमिसिंग कल के फ्यूचर जर्नलिस्ट हो तो बहुत सारी लाइफ बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी तो इट्स अ जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बिहाफ ऑफ होल यूनिवर्सिटी कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ शामिल हुए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू मैम